बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें ओपन करें अपनी बुक्स, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस फॉर ग्रेड 3 पेज नंबर 7। हमने अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडीज पढ़ना स्टार्ट की थी। हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, अब हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टू स्ट्रक्चर सिस्टम्स हमारी बॉडी के, वो है नर्वस सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम निकला है वर्ड नर्व्स से। नर्व्स यानी ये नर्व्स का मतलब है ब्रेन के सेल्स। वो सेल्स जो हमारे ब्रेन को बनाते हैं, दे आर कॉल्ड नर्व सेल्स। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन और हमारे नर्व्स यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं नर्वस सिस्टम। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन। हमारे जो नर्व्स हैं वो हमारी बॉडी से मैसेज लेते हैं, सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेते हैं और ब्रेन के पास जाते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के सारे एक्शन, सारे ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, जितने भी हमारी बॉडी में काम हो रहे हैं कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अब ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, ब्रेन के पास नर्व्स हैं। नर्व्स की मिसाल ऐसे है जैसे डाकिया होता है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैरी करता है। तो नर्व्स की मिसाल ऐसे है जैसे डाकिया। जैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ देखते हैं या कुछ फील करते हैं तो नर्व्स फ़ौरन से जाके उनसे मैसेज लेके ब्रेन के पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो हाथ है उसमें चुई, जो सुई है वो चुभ गई, तो जो सेंस ऑर्गन हमारा स्किन है उसके उसने फील किया, जो नर्व्स जाएंगे फ़ौरन से स्किन से मैसेज सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन के पास कि भाई कुछ चुभ गया। ब्रेन कहेगा फ़ौरन से हाथ पीछे कर लो, तो जो नर्व्स हैं वो ब्रेन से मैसेज लेके वापस सेंस ऑर्गन के पास आएंगे कि फ़ौरन से हाथ पीछे कर लो, तो हम हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, ब्रेन एंड नर्व से। ठीक है, ब्रेन नर्व जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन के पास और फिर ब्रेन जो है वो हमें मैसेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीट करने का मतलब होता है बच्चे खारिज करना, बॉडी से मतलब निकालना। तो इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में, थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके ज़रिए, इसकी वजह से हम अपनी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, वो हमारी बॉडी, हम उससे जान छुड़ा सकते हैं या उनको बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम फूड खाते हैं, दिन में कई बार फूड खाते हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती। हम पानी पीते हैं तो पानी की कोई अमाउंट ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन साइड हमें बॉडी से बाहर निकालनी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जो हम जिनसे हम वेस्ट मटेरियल से जब हम अपनी बॉडी को फ्री कर लेते हैं यानी अपनी बॉडी से निकालते हैं, तो उस सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। द लंग्स गेट रिड ऑफ द वेस्ट एयर, लंग्स के ज़रिए से हम अपनी बॉडी के जो वेस्ट एयर है उसको बाहर निकालते हैं। किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन, जो किडनी है उनका काम होता है वाटर फिल्टर करना। हम जो पानी पीते हैं, जितना पानी हमें चाहिए होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जबकि जो एक्स्ट्रा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, यूरिन यानी कि पेशाब के ज़रिए से। एंड स्किन गेट रिड ऑफ द स्वेट, स्किन जो है यानी हमारी जो जल्द है उसकी वजह से पसीना जो है वो हमें पसीना आता है ना, तो पसीना जो है उससे हमारी जान कौन छुड़ाता है, हमारा स्किन। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर ना आई तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम। अब जो नीचे कॉन्सेप्ट चेक लिखा हुआ है ये आपने खुद करना है, कॉलम मैच करने हैं। एक तरफ से कुछ सिस्टम और ऑर्गन बताए हुए हैं जबकि दूसरी तरफ उनका काम बताया हुआ है, मैं आपको गाइड करती हूँ, मैच आपने खुद करना है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है, हमने कहा था स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो थर्ड रो में है, ये थर्ड वाला गिव्स अ बॉडी फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स, ये किसका है, स्केलेटल सिस्टम का। सेकेंड वन क्या है, ब्रेन। ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है यानी द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जो फोर्थ वन है वो ब्रेन का है, आपने इन दोनों को मैच करना है। ठीक है,
मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम हमारे स्केलेटल के बिल्कुल साथ काम करता है और हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है. तो कौन सा वाला है? सेकंड वाला. वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम टू अलाउ अस टू द मूव मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. और लास्ट वन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है? हमारी फूड को डाइजेस्ट करना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैरीड फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल्स. नंबर वन कॉलम बी में नंबर वन जो है वो मैं बोल रही हूँ, आपने इनको मैच करना है. ठीक है, ये आपने खुद बाकी आपने देख के इसको मैच करना है और आपकी बुक्स पर ये मैच होना चाहिए. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.